मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले एक रिटायर कर्मचारी की रक्तरंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया देखने पर लोगों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या की बात कही। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर बॉडी को बरामद करके अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं इस मामले में उस समय मोड़ आ गया जब हिमगिरी निवासी राधेश्याम की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए परिजन पुलिस के पास पहुंचे थे, तो मोर्चरी में बॉडी की पहचान उन्होंने राधेश्याम के रूप में कर ली। परिजनों के मुताबिक वो हाल ही में पीटीसी से रिटायर हुए थे और परिवार के साथ हिमगिरी कॉलोनी में रह रहे थे। ये जो रात गए थे, पता नहीं, ना तो घर बताया ना कुछ, और ये लगभग 8-8:30 बजे गए थे घर से। अच्छा, ये पता नहीं किसी काम के लिए शायद, तो इनके बच्चों ने फ़ोन कराए ना, तो इन्होंने जो फ़ोन रिसीव नहीं करा। अच्छा, लगभग इन्होंने 2-3 घंटे कंटिन्यू फ़ोन करा, बैग जाती रही, उठाया नहीं उन्होंने फ़ोन। अच्छा, इसके बाद ये फिर अपने चाचा के घर भी गया गौरव, वहाँ पता करा, वहाँ भी पता नहीं चला। अच्छा, तो इसका पता चला है लगभग सुबह चला है 8-8:30 बजे। अच्छा, क्या क्या पता चला आपको? पता चला इसका गौरव का फ़ोन आया था पुलिस का। अच्छा, मतलब गौरव कौन है? इनका लड़का है। अच्छा, जब पता चला इनका। अच्छा, मतलब घटना किस कहाँ पर हुई? ये घटना हुई है अगवानपुर का जो फ्लाईओवर है इसके पास। अच्छा, पुलिस में थे? हाँ, ओपी थे, पुलिस में ओपी थे। हाँ, ये पीटीएस में। अच्छा, पुलिस द्वारा आपको सूचना दी गई? हाँ, पुलिस द्वारा सूचना मिली। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? ये हैं नया गाँव मुरादाबाद में। परिवार में कौन कौन लोग? परिवार में इनके दो बेटी हैं, एक बेटा है, बेटी भी शादी होगी और वो अनमेरिड है। अच्छा, हादसा किस तरह का हादसा हुआ है इनके साथ? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, अभी क्लियर मुझे भी नहीं पता सही से क्या हादसा कैसा क्या, जो सुनने में आया था बाकी मैंने आपको बताई दिया था। अगवानपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में खेतों की तरफ एक मृत व्यक्ति की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची, उनके सर में गोली लगी पाई गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तुरंत ऑफिसर टीम को बुलाया गया, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके फिर परिवारजनों को कॉन्टैक्ट करके इनके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनकी जो शिनाख्त हुई है, ये राधेश्याम है जो हिमगिरी कॉलोनी में रहने वाले हैं। इनके परिवार ने बताया कि ये इसी साल पीएससी में एज ए फॉलोअर रिटायर हुए थे और इसमें अन्य सूचनाएँ भी एकत्रित की जा रही हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इसमें जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित करनी है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।